सो हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो यस, फुल ऑफ एनर्जी के साथ मैं इस वीडियो को बनाना चाहती हूँ। जैसे कि थंबनेल और टाइटल तो आपने देख ही लिया है, मैं किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। यस, मैं बात कर रही हूँ पुकारू के बारे में। तो आज मैं उस फिल्म के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, एक अच्छी फिल्म की पहचान तभी होती है जब उसकी जनता की पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाए। सो दोस्तों, हम जैसी जनता जो कि एक्शन फिल्म और वेब सीरीज को देखना पसंद कर हिंदी डब में आई है, विच इज डायरेक्टेड बाय नंद किशोर, इस चैनल पे आई है, आखिर क्या स्टोरी है उसकी, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और इस फिल्म को IMDB की रेटिंग मिली है 7.6 out of 10। तो दोस्तों, इस फिल्म को 2019 में ही शूट कर लिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश फिल्म को अभी तक रिलीज नहीं किया गया था। इस फिल्म को तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज के साथ साथ इसको हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, बात कर लेते स्टोरी प्लॉट के बारे में। एक्शन, रोमांस, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट पैकेज फिल्म। इस स्टोरी में दिखाया गया कि ध्रुवा सरजा, जो कि शिवा के कैरेक्टर में आप लोग को इस फिल्म में दिखाई देंगे, शिवा के फादर की किसी वजह से बचपन में ही डेथ हो जाती है। शिवा बचपन से ही काफी डिफिकल्टीज को फेस करता है, जिसकी वजह से उसका नेचर काफी राउडी और केयरलेस हो जाता है, और उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है, बट शिवा अपने स्टेप फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, फिल्म एक ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स पे आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर जमीन को हथियाया जाता है। तो दोस्तों, इस फिल्म में आपको बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। जो लोगों को फाइट सीक्वेंस फिल्म देखना पसंद है, वो लोगों को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। शिवा को गीता से प्यार हो जाता है, लेकिन गीता बिल्कुल भी शिवा को पसंद नहीं करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका राउडी बिहेवियर रहता है। रश्मिका मंदाना एज अ टीचर दिखाई देंगी, जिनका नाम रहता है गीता। आपको गुदगुदाने के साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको काफी इमोशनल कर देंगे। थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी लव स्टोरी भी आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेगी। काफी अच्छे तौर पर सिनेमेटोग्राफी का भी यूज किया गया है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं डायलॉग डिलीवरी की। तो किसी भी आम डायलॉग में जान डाल देना ही एक अच्छे कलाकार की पहचान होती है। तो बात कर लेते हैं म्यूजिक की। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि काफी फेमस सॉन्ग पुकारू कराबू 235 million व्यूज है, हालांकि उसका हिंदी सॉन्ग इतना कुछ खास नहीं लगा। तो बात कर लेते स्टार कास्ट की। तो इस फिल्म में आप लोग को मेन लीड में दिखाई देने वाले हैं ध्रुवा सरजा, जो कि एज अ शिवा के कैरेक्टर में आप लोग को दिखाई देंगे, रश्मिका मंदाना जो कि गीता के तौर पे आप लोग को इस फिल्म में दिखने वाली हैं, और धनंजय, आर रविशंकर। बहुत से लोगों ने इसका कन्नड़ और तेलुगु वर्जन देखा होगा, लेकिन हिंदी वर्जन अब रिलीज हुआ है 25 अप्रैल। सो दोस्तों, इस फिल्म को आप लोग देख सकते हैं कलर सिनेप्लेक्स पे, और उसी के साथ साथ आप यूट्यूब में भी RKD मीडिया पे भी देख सकते हैं इस फिल्म को। मैंने इस फिल्म को देख के बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, 4 out of 5, बिकॉज मुझे ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद मुझे कुछ हद तक की KGF की भी याद आ गई। सो दोस्तों, दैट वॉज ऑल अबाउट माई रिव्यू रिगार्डिंग पुकारू। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो को अपलोड कर आप तक के वो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट किस चीज पर वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।